क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का पावर कट होने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार जानबूझकर केजरीवाल सरकार को टारगेट कर रही है? ये तमाम आरोप लग रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब लोकसभा में पहले से ही दिल्ली सेवा बिल पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, ये हक उनसे चला जाएगा। अंतिम फैसला ऐसे तमाम मामलों में दिल्ली के एलजी का हो जाएगा। एक तरफ ये लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पेश होना है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया दे रहा है अरविंद केजरीवाल का इसमें साथ। और इसी वजह से जो बहस हुई उसमें अमित शाह ने बहाना बनाया दिल्ली सेवा बिल को, लेकिन निशाना अरविंद केजरीवाल पर था। ये आपको सुना देते हैं क्या कहा अमित शाह ने। 239AA3B बहुत स्पष्ट है, इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजे हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियाँ छीनी जाएंगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि इस सदन को ताकत दी है संविधान के तहत।